नमस्कार, मैं आपके लिए आज एक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी लिखी है मनु भंडारी ने। मनु भंडारी किसी जान पहचान की मोहताज नहीं। जो आज मैं कहानी लेकर आया हूं उसका शीर्षक है बंद दरवाजों का साथ। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। उसकी मेज बहुत बड़ी थी और तीन दराजों में बटी हुई थी। बाईं ओर वाली दराज व्यक्तिगत थी, बीच वाली पारिवारिक और दाहिनी को चाहे तो सामाजिक कह ले। ये विभाजन मंजरी का ही किया हुआ था, जो उसने काफी दिनों बाद किया था। उन दिनों जबकि उन दोनों के बीच एक विभाजन रेखा से खिंच गई थी। आरंभ के दिनों में तो उसका ध्यान दराजों की ओर किया जाता, मेज की ओर भी नहीं जाता था। मन करता दिन के 24 घंटे किसी तरह रात के 8 घंटों में ही सिमट जाए। विपिन का शरीर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का प्राय बन गया था और यह बात कभी दिमाग में भी नहीं आती थी कि उसके शरीर से परे उसका कोई व्यक्तित्व और अस्तित्व भी हो सकता, संबंध और संपर्क हो सकते हैं, कोई अपना जीवन हो सकता है। पर यह सब बहुत शुरू की बातें थी, उन दिनों की, जब मनों में कोई भेद नहीं था और इसलिए जैसे सब तरह के भेद मिट गए थे। सारी ऋतुएं बसंत के समान सुहानी लगती थी। आराम के समय काम की चुस्ती का एहसास होता रहता था और काम करने में भी एक अजीब तरह का आराम सा मिलता था। यह बसंत की सुहानी सुबह थी। गीले बालों की ढीली ढीली सी चोटी बांधकर बड़े मन से मंजरी ने मटर चिवड़ा बनाया था। हर काम वो बड़े मन से करती थी और उसके गीत, वो जो गीत गाती थी, सारे घर में गूंजा करते थे। वह ट्रे में सारा सामान सजाकर ले गई। तभी उसने विपिन को कुछ कागजों में व्यस्त सा पाया। इतना मगन होकर क्या पढ़ रहे हो? उसने हंसते हुए विपिन को हल्के से कहा। विपिन सक पका सा गया और सारी बात को टालते हुए उसने ढेर सा चिड़वा अपनी प्लेट में उड़ेल लिया। मंजरी को लगा था कि उस दिन ये जरूरत से कुछ ज्यादा तारीफ करने के मूड में आया हुआ है। वो लगातार प्रसंगहीन बातें किए चला जा रहा था। ये सब मंजरी के मन को छुए बिना सा ही निकल गया। रोज की तरह दोनों साथ ही घर से निकले थे। ये एक पीरियड के बाद ही सरदर्द का बहाना करके लौट आई। सारे रास्ते उसका सर चकराता रहा। घर में उसे ऐसे लगा, पता नहीं, जैसे मैं किसी और के घर में घुस आई हूं। वो सीधी टेबल के पास गई और टेबल पर पड़ी पुस्तकें, फाइलें, कागज पत्तर सब उसने पलटे, पर वो कागज नहीं है उसमें। उसे खुद आश्चर्य हो रहा था कि एक झलक भर में उसने उन कागजों की ऐसी गहरी पहचान कर ली थी। उसने झटके से पहली दराज खोली। उसमें कुछ मित्रों और कुछ रिश्तेदारों के पत्र थे। उसमें एक दो विवाह के निमंत्रण पत्र थे और एक अपॉइंटमेंट लेटर थी और अखबारों की कुछ कतरने भी थी उसमें। उसने बीच की दराज खोली। उसमें पासबुक और चेकबुक थी, मकान और बिजली के बिल की रसीदें भी थी। एक और तहाए हुए कुछ रुमाल पड़े थे। उसने तीसरी दराज खींची तो खोली नहीं, उसमें ताला लगा हुआ था। दराज में ताला
होना ऐसी अनहोनी बात है और ना ही ऐसी भयंकर, पर फिर भी वो काम से उठी। उसने सारा घर छान लिया और उसे चाबियां नहीं मिली, और अब सचमुच ही उसका सर दर्द बुरी तरह करने लगा, और वो मुंह पर साड़ी का पल्ला डालकर सारा दिन लेटी रही, खामोश शांत। उस रात जब सोई तो भीतर ही भीतर उसके कुछ घुमड़ता रहा था, रुलाई का वेग जैसे फूटना चाहता था। उसने सोच लिया कि वो जब तक सारी बात का पता नहीं लगा लेगी, एक शब्द भी किसी से कुछ बात नहीं करेगी। रोज की तरह विपिन ने उसे बाहों में भर लिया, पर जाने क्यों उसे भीतर ही भीतर महसूस हो रहा कि उसके साथ सोने वाला, उससे प्यार करने वाला विपिन संपूर्ण नहीं है। केवल एक खंड है, एक टुकड़ा। संपूर्ण विपिन उसे हमेशा फूल की तरह हल्का लगता था, पर खंडित विपिन का बोझ उसके लिए जैसे असह्य हो उठा। बार बार उसका मन करता कि वो उसी से साफ साफ पूछ ले, झगड़ ले, पर दराज का ताला जैसे उसकी जबान पर आके लग गया। वो सारी रात कसमसाती रही, पर उसे बोला कुछ नहीं गया। औरत की नजर यो ही बड़ी पैनी होती, और फिर यदि उस पर संदेह की सान चढ़ जाए तो आकाश पाताल चीरने में भी उसे देर नहीं लगती। दूसरे ही दिन बंद दराज उसके सामने खुली पड़ी थी, जो विपिन की निहायत निजी और व्यक्तिगत थी। उसमें कुछ डायरियां, एक महिला और बच्चे की तस्वीरें, कुछ पत्र, कांच की ट्यूब में गोलियां, और क्रोध, घृणा, दुख, मिली जुली भावनाओं का तूफान सब कुछ उसमें था जो अब उसके मन में उठ रहा था। फिर वो सर थाम कर घंटों बैठी रही, फूट फूट कर रोती रही। उसे बराबर लग रहा था कि जिसे धरती समझकर उसने पैर रखा था वो शून्य था, कि जैसे वो एकाएक बेसहारा हो गई। उसे अपने घर की छत और दीवारें सब हिलती नजर आने लगी, क्योंकि दराज में विपिन का केवल अतीत ही नहीं था बल्कि वर्तमान और भविष्य की योजनाएं भी थी। वो जैसे जैसे विपिन के व्यक्तिगत जीवन के निकट होती जा रही थी, अनजाने और अनचाहे ही विपिन से दूर होती जा रही थी। धीरे धीरे मनो की वो दूरी शरीरों में भी फैलती चली गई, और वे अनायास ही एक दूसरे के लिए निहायत अपरिचित से हो गए। फिर उनके हिसाब अलग अलग रहने लगे, संपर्क और संबंध अलग हुए। दोनों के पास अपने अपने तर्क थे, और दोनों ही इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ये तर्क उन्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। फिर भी हर तीसरे दिन घंटों बहस होती रहती, और उनकी समाप्ति पर मंजरी के आंसू निकलने लगते। अब स्नेह के स्थान संदेह ने ले लिया था, और तर्कों ने सद्भावना के रेशे उधेड़ दिए थे। तब मंजरी अपने ही घर में बहुत अकेली हो उठी, और सब कुछ बड़ा वीरान लगने लगा। हर काम बोझ लगने लगा था, खाली समय और भी बोझे। वो घंटों किताब खोले रहती, उसको पढ़ते रहती, पर पंक्तियां केवल आंखों के नीचे से गुजरती थी,
मन उससे अछूता सा रहता। कापियां देखने बैठती तो उसकी स्याही ने मजाक करती कि वो इम्तिहान की कापियां देख रही है या प्रूफ। विपिन से संबंध क्या गड़बड़ाया था, उसकी समस्त इंद्रियों ने आपसी संबंध गड़बड़ा गए थे। वो घर के सारे खिड़की दरवाजे खोले रखती थी, फिर भी लगता रहता कि साफ हवा के अभाव में घर की हवा धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। और कोई है जो उसे धीरे धीरे मरता हुआ देख रहा है। वो न उसे बचा सकती और न ही निर्दयता पूर्वक मार सकती है। यों भीतर ही भीतर वो हर तरह के संकल्प करती रहती थी, पर उसने कभी उन विचारों को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि घर में बहुत जल्दी एक तीसरा प्राणी आने वाला था। उसने उसके और अपने दुर्भाग्य को साथ ही साथ कोसा था, पर इसके बावजूद मन में कहीं एक हल्की सी आशा झांकने लगी। शायद यह अनागत ही उनके बीच कहीं सेतु बन जाए। पर साल भर के भीतर ही भीतर उसने अच्छी तरह ये जान लिया कि इस युग में आशा करना मूर्खता है, क्योंकि आज जिंदगी के हर पहलू, हर स्थिति और हर संबंध एक समाधीनहीन समस्या होकर रह गया, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, केवल भोगा जा सकता है। जैसे आदमी निरंतर बिखरता और टूटता चलता है, और वे भी 2 साल तक बिखरी और टूटती चली गई। विपिन मन में कहीं हल्का सा आश्वस्त महसूस करने लगा था कि मंजरी में शायद उस सबको स्वीकार कर लिया है, शायद अब वो कटेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। शादी की 5वीं सालगिरह थी। वो दिन अपने सारे अर्थ खो चुकने पर भी एक दिन तो बना ही हुआ था। वो उस दिन ना चाहने पर भी वो अपने दुर्बल भाव को महसूस करती, उसकी यातना कई गुना बढ़ जाती, और इस बार उसने वैसा कुछ अनुभव नहीं किया और बड़े आग्रह से विपिन को कहा कि वो उसे संध्या के 5 बजे ला बोहिम में मिले। ला बोहिम का अंधेरा कोना, आसपास की मेजें खाली थी। अपनी मेज पर लटकती बत्ती को उसने बुझा दिया था। अंधेरा होने के साथ ही मंजरी के मन में एक क्षण को यह बात है कि आज इस अंधेरे से ही वो चाहे तो अपनी जिंदगी में कितनी रोशनी ला सकती है। उस समय भीतर ही भीतर कुछ कसका भी था, पर दूसरे ही क्षण उसने अपने को सहज कर लिया, यह सोचकर कि यह मेरी भावुकता है, और भावुकता को लेकर आदमी केवल कष्ट पा सकता है, जी नहीं सकता वो कभी। पर मंजरी जीना चाहती थी अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। और 3 घंटे के बाद जब वो यहां से निकले तो उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि कैसे वो इतनी सहज और तटस्थ ढंग से सारी बात कह सकी। मानो ये सारे निर्णय उसके लिए नहीं, किसी और के लिए हो। वो खुद जानती है कि औरतें कभी पूरी तरह तटस्थ नहीं रह सकती, खासकर ऐसे संघातिक क्षणों में तो वह बात भी नहीं कर सकती, केवल रो सकती है, झार झार रो सकती है। उससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने अपने निर्णय को व्यवहारिक रूप देने के लिए
वो सारा सामान बटोकर 2 महीने की छुट्टी ले ली और दिल्ली से विदा हुई थी। विपिन ने बच्चे को बहुत प्यार किया था और एक बार उसे भी। फिर भी उसने बहुत ठंडे स्वर में कहा था, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा, इस सब के बाद मुझसे यहां रहा भी नहीं जाएगा, तुम शायद वहीं लौट कर आना पसंद करोगी, इस घर को अपने नाम ही रहने दो। मंजरी तब तक तय नहीं कर पाई थी कि उसे कहां रहना है, क्या करना है। केवल एक विश्वास था कि जिस सहज ढंग से सारी स्थिति से वो उभरी है, उसी तरह नई जिंदगी का रास्ता भी खोज लेगी। फिर भी उसने घर अपने नाम रहने दिया। मानसिक तनाव के ऐसे विकट क्षणों में भी उसकी व्यवहारिक बुद्धि कुंठित नहीं हुई। तभी उसे लगा कि विपिन से ब्याह करके आने वाली यह मंजरी पूरी तरह मर चुकी है। यह तो उसको लाश से पैदा हुई दूसरी मंजरी ही मिली। एन मौके पर एक बड़ा नाटक होने की संभावना थी, बच्चे को लेकर कुछ भी हो सकता है, पर कुछ हुआ नहीं। ऊपर से बड़े सहज ढंग से कुछ औपचारिक से वाक्यों का आदान प्रदान हो रहा था और भीतर से मन भरे हुए थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े विपिन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई थी। सब कुछ मंजरी ने सूखी आंखों से ही देखा। जब सब कुछ पीछे छूट गया तो भीतर से एक गहरी निश्वास निकली थी, शायद मुक्ति की। अपने ही शरीर का फोड़ा जब सूख जाता है तो मरी हुई खाल को शरीर से खींचकर अलग करने जैसी भावना आती, कुछ कुछ वैसी ही। 2 महीने बाद वो उसी घर में लौटी थी। सबने उसे देखकर पूछा था, क्या वो बीमार होकर लौट कर आई? बहुत दुबली हो गई, उसका चेहरा सूखा और काला सा हो गया है। उसे महसूस होता था उसे सब कुछ अंतर नहीं पड़ता था। उसने यहां आकर सबसे पहले चश्मा लिया क्योंकि उसकी आंखें एकाएक बहुत कमजोर सी हो गई। घर ज्यों का त्यों था, केवल वे सब चीजें यहां से हटा दी गई थी जिनके साथ विपिन की स्मृति लिपटी थी। वो मेज थी, मेज वाला वो कोना खाली था, पर कोना खाली रहने पर भी उसके मन में भय वितृष्णा की मिली जुली भावना पैदा करता रहता था। वो विपिन से मुक्त होकर भी जैसे उस मेज से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रही थी। घर में बचे हुए सामान पर धूल की परतें जम गई थी। एक दिन तो वो उस घर से कुछ भी नहीं कर पाई और दूसरे दिन ही वो सफाई में जुट गई। विपिन का कोई भी चिन्ह वहां नहीं था सिवाय 2 भरे हुए ऐश ट्रे के। एक बार उन्हें खाली करते समय उसका हाथ कांपा था। घर साफ हो गया, फिर भी उसे बराबर लगता रहता कि एक ही बड़ी परिचित गंध है जो उसमें बराबर भरी हुई है। वो किधर भी जाए, कहीं भी रहे, उस गंध के एहसास से मुक्त नहीं हो पाती। तब उसने घर के सारे खिड़की दरवाजे फिर से खुले रखने शुरू कर दिए। बाहर की साफ हवा, धूप आने के लिए धीरे धीरे दरवाजे
ताजी हवा को अंदर लाते रहते। उन खुले दरवाजों से हवा और धूप और साथ साथ अनेक तरह की गंध, अनेक चेहरे, अनेक नजरें भी घर में झांकने लगी थी। कुछ तरस के लिए, कुछ आत्मत्याग के लिए। उसके साहस की प्रशंसा भी की जाती थी और कभी कभी जुबान से यह समाचार भी दिया जाता था कि विपिन को किसी बच्ची और महिला के साथ देखा गया है। विपिन के लिए स्वर में भर्त्सना थी, पर उसे ना अपनी प्रशंसा छूती थी ना विपिन की भर्त्सना। पहले साल परिचित और नए चेहरों की संख्या काफी बड़ी थी, फिर धीरे धीरे घटने लगी। हम दर्दों के लिए बात पुरानी हो चुकी थी और उन्हें लगता था कि वो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। सिर्फ चेहरा था जो निरंतर बना रहा और घर में बहुत भीतर तक प्रवेश कर गया, पर मंजरी किसी प्रकार की हड़बड़ी में नहीं थी। हां, इतना जरूर हुआ था कि एकाएक उसे बहुत बहुत अकेलापन लगा। नौकरी बोझ लगने लगी और जीवन नीरस। कभी कभी वो अकेले क्षणों में सोचती थी कि नहीं, वे अब जिंदगी के राहों को बदलेगी नहीं। जिस तटस्थता से उसने सब कुछ झेला था, अपने को टूटने नहीं दिया। उसे उससे लगने लगा था कि जैसे वो बहुत बड़ी हो गई है, मैच्योर। उस उम्र में यह शायद उसके लिए संभव नहीं होगा, पर जब भी ये चेहरा करीब आता है, अनायास ही उसकी उम्र के 10 साल कहीं चले जाते हैं, तब वह सोचती है कि नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। दिनों ने गुजरकर उसकी उम्र की संख्या में कुछ वृद्धि कर दी, पर भावनाएं तो आज भी अछूती ही। जिंदगी के वे सुनहरे दिन जब उसे अपनी भावनाओं को खर्च करना था, मरे हुए संबंधों की लाश ढोने में ही बीत गए। फिर 3 साल तक उसने कोई निर्णय नहीं लिया। उसने सोचा था, केवल सोचा ही नहीं, चाहा था, बहुत सच्चाई और ईमानदारी से चाहा था कि जैसे वो विपिन के संबंध से उबर गई थी, इस अकेलेपन से भी उबर जाएगी। पर उसने पाया कि वो अपने के सहारे अपने अकेलेपन से लड़ने की कोशिश कर रही है। उसे खुद महसूस हुआ कि असती के प्रति उसका व्यवहार कहीं असंतुलित होता चला जा रहा है। लोगों ने उसे दबी दबी जबान से सलाह दी कि उसे असित को हॉस्टल भेज देना चाहिए। पहले वो बराबर विरोध करती रहती थी, कुछ आर्थिक कारणों से और कुछ इसलिए कि कह लो कि उसे भेजकर वो स्वयं को अकेला नहीं करना चाहती थी। फिर उसे खुद लगने लगा कि वो अपना अकेलापन खत्म करने के लिए बच्चे का सारा भविष्य ही खत्म कर देगा। तब उसने 2 निर्णय एक साथ लिए, असित को हॉस्टल भेज देगी और अकेलापन समाप्त करने के लिए सही और स्वाभाविक मार्ग ही अपनाएगी। उसे इस बात पर खुशी भी हुई और हल्का सा गर्व भी कि स्थिति बहुत अधिक बिगड़ने से पहले ही वो एकाएक तटस्थ होकर चीजों को उनके सही रूप में ला पा रही है और फिर उन्हीं के अनुरूप निर्णय ले रही है। दिलीप अब साथ आ गया था, इसलिए जिंदगी के 10 वर्ष एकदम चले गए थे। घर बदल गया था
और बिल्कुल नए ढंग से सजाया गया था। नए घर की साज सज्जा में हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते हुए वो काम किया करती थी। नौकरी उसने छोड़ दी थी क्योंकि साथियों की नजरों में झांकती हिराकत उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वैसे भी इस काम से वो ऊब चुकी थी। अब दिसंबर की सर्दी में सारी रात किसी की बाहों में गरमाए रहने के बाद जब उसकी आंखें खुलती तो सामने की ड्रेसिंग टेबल पर अपने प्रसाधन की अनेक चीजें सजी हुई दिखती थी। छमाही इंतहाई कॉपियों का गट्ठर में तब मन बहुत हल्का और आश्वस्त हो जाता था। छुट्टियों में असित घर आया था। दिलीप को वो बराबर घर में देखता रहता था। सो मंजरी को दोनों को परित करने वाला संकट नहीं झेलना पड़ा। असित के आने से मंजरी बहुत प्रसन्न थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसे क्या खिलाए, कहां घुमाए। दिलीप के जाते ही वो उसे निकल कहीं निकल जाती। दिसंबर की सुहानी धूप सारी दिल्ली को बेहद सुहाना और उत्फल कर देती। सड़कों मैदानों पर फैली रहती थी। शाम को वो घर लौटते और दोनों के हाथ में असित के फरमाइशी पैकेट होते थे। छुट्टियां समाप्त होने पर असित लौटने लगा। उसके स्कूल के बच्चों का पूरा ग्रुप था। स्कूल से 6 महीने का बिल भी आया था। दिलीप ने यूं ही कह दिया, ये स्कूल काफी महंगा है, इस महीने यूं भी काफी खर्च हो गया। मंजरी के चेहरे पर हल्की सी छाया गया। बात साधारण थी और सच्ची भी। असित दिलीप का बच्चा होता तब भी वो ये बात कर कह सकता था, पर असित दिलीप का बच्चा नहीं था। क्योंकि संदर्भ दूसरा था इसलिए इस बात का अर्थ भी दूसरा हो गया था। दिलीप ने शायद स्थिति को भांप लिया और सारी बात को सहज करने के लिए कहा, आज जमाना आ गया, हम इतना पढ़ लिए हैं पर ऐसी लंबी चौड़ी फीस कभी नहीं दी। पर बात फिर भी शायद सहज नहीं हो पाई। मंजरी को पहली बार अपनी नौकरी छोड़ने पर अफसोस हुआ और उसके बाद धीरे धीरे उस घर में एक अदृश्य मेज फिर उभर आई। वो मेज दिलीप के कमरे में नहीं, मंजरी के कमरे में आई थी और वो दो दरवाजों में बटी हुई थी, एक व्यक्तिगत एक पारिवारिक। व्यक्तिगत दराज में अस्थि की फरमाइशी पत्र, उसके चित्र, उसके स्कूल की रिपोर्ट और विपिन के कुछ औपचारिक पत्र थे जिसमें वो आश्वासन दिया गया था कि अस्थि का आधा खर्च वो किया करेगा। और मेज का विभाजन फिर पहले की तरह मन और शरीरों में होता हुआ पूरे शरीर के सहित पूरे घर में फैल गया। बाहर से कहीं कुछ नहीं था, न बातचीत में न व्यवहार में, पर अनजाने और अनचाहे ही भीतर से जैसे मन बट गए थे, जिंदगी बट गई थी। हर बार हालांकि प्रसंग और स्थितियां दूसरी थी पर बटने की पीड़ा वैसी ही थी। रात में दिन में लेटे लेटे मंजरी न जाने क्या क्या सोचा करती थी। जब तब विपिन भी याद आने लगा और आश्चर्य यह है कि उसका यूं याद आना अब उसे बुरा नहीं लगता था। फिर भी वो एहसास से मुक्त नहीं हो पाती कि विपिन ने केवल अपनी जिंदगी को ही टुकड़ों में नहीं काटा, कितने
कौशल से वह उसकी जिंदगी को भी टुकड़ों में काट गया है कि उसके आगे उसकी सारी जिंदगी ही टुकड़ों की अभिशप्त छाया में काटनी होगी कि अब भी वो अपनी जिंदगी संपूर्ण नहीं कर पाएगी। तो ये थी कहानी मनु भंडारी जी द्वारा लिखित बंद दरवाजों का साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। आपका दोस्त गुरतेज। नमस्कार।